हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे किचन में। मैं आज बनाने जा रही हूँ बहुत ही कम समय में बनने वाली और बहुत ही स्वादिष्ट मावा या खोए की बर्फी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मावा या खोए की बर्फी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 300 ग्राम मावा या खोया। इसके अलावा मैंने यहाँ पर ली है 100 ग्राम चीनी, 50 ग्राम रेडीमेड नारियल का बुरादा, 4 से 5 छोटी हरी इलायची, गार्निशिंग के लिए कटे हुए बादाम और पिस्ता। गैस पर मैंने एक पैन रख दिया है, तो पैन यहाँ पर गर्म हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच घी। घी को मेल्ट होने देंगे। घी यहाँ पर मेल्ट हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी हाथ से क्रम्बल किया हुआ मावा। तो ये मावा मैंने घर में ही बनाया था। अगर आप यहाँ पर बाजार का मावा ले रहे हो तो उसे पहले ग्रेटर से ग्रेट कर लें, फिर डालें, ताकि इसे पकने में आसानी रहे। मावा बनाने की वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चाहो तो इसे वहां से चेक कर सकते हो। लो फ्लेम पर हमें इसे 3 से 4 मिनट के लिए भूनना है, ताकि जो इसका कच्चापन है वो दूर हो जाए। तो यहां पर मैंने इसे भून लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी चीनी। मैंने यहाँ पर 300 ग्राम मावा लिया है, उसके लिए 100 ग्राम चीनी सफिशियंट रहेगी। फिर भी चीनी की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो चीनी को यहाँ पर अच्छे से मेल्ट होने देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। देखिए, यहाँ पर चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है और 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसे यहाँ पर भून लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी रेडीमेड नारियल का बुरादा। तो ये इजीली मार्केट में मिल जाता है, पर अगर आपके पास सूखा नारियल है तो आप उसका ब्राउन पार्ट हटा दें और उसके छोटे पीस करके मिक्सर जार में उसका एक फाइन पाउडर बना लें, तो आप उसे भी यहाँ पर डाल सकते हो। तो नारियल डालने से बर्फी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, पर अगर आपको नारियल का टेस्ट पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो और बिना इसके बना सकते हो, उससे भी ये बर्फी काफ़ी स्वादिष्ट लगती है। अब मैं इसमें डालूंगी कुटी हुई हरी इलायची। तो 1-2 मिनट के लिए इसे और भून लेंगे। तो बर्फी का ये मिक्सचर 10 से 12 मिनट में तैयार हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम हमें इसमें नहीं लगता है। तो गैस का फ्लेम मैं यहाँ पर अब बंद कर दूंगी। मैंने यहाँ पर एक प्लेट ली है, प्लेट को घी से ग्रीस कर लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ बर्फी को जमाना है। अगर आपके पास बर्फी जमाने का टिन है तो आप इसे उसमें भी जमा सकते हो। बर्फी का मिक्सचर हम प्लेट में डाल देंगे। इसको मैं फैला दूंगी। यहाँ पर मैं इसे एक स्क्वायर शेप दे रही हूँ, ताकि बर्फी को कट करने में आसानी रहे। अब मैं इसके ऊपर डाल दूंगी कटे हुए बादाम और पिस्ता, जिससे कि ये बर्फी दिखने में अट्रैक्टिव लगे। थोड़ा सा इसको हम यहाँ पर टैप कर लेंगे, ताकि ये अच्छे से बर्फी में चिपक जाए। इसको मैं 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी, आप चाहो तो इसे 3 घंटे के लिए बाहर भी सेट होने के लिए छोड़ सकते हो। 1 घंटा हो गया है, मैंने इसे फ्रिज से निकाल लिया है। अब इसे चाकू से कट कर लेंगे। तो आप अपने पसंद के हिसाब से यहाँ छोटे, बड़े या मीडियम साइज के पीस कट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ बर्फी के पीस कट कर लिए हैं। मैं आपको एक पीस दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छी ये बर्फी यहाँ पर बनकर तैयार हुई है। बर्फी के सारे पीस मैं यहाँ पर प्लेट में रख दूंगी। तो देखिए, सारे पीस मैंने यहाँ पर रख दिए हैं प्लेट में। तो तैयार है हमारी ये झटपट बनने वाली और बहुत ही टेस्टी मावे की बर्फी। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। मैं आशा करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।